अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। दिस इज़ योर कंप्यूटर क्लास एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर मिस फरीहा। टुडे सिक्स क्लास वी आर गोइंग टू डू लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 7, दैट इज अल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन डेट एंड डे ऑन द टॉप ऑफ द पेज, मैंशन क्लास वर्क, मैंशन चैप्टर नेम दैट इज अल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, mention topic that is long question answer, then you will write down question number 3 that is what do you mean by loop, draw a flow chart showing loop, यानी loop से क्या मुराद है और एक ऐसा flow chart बनाए जिसके अंदर loop को जाहिर किया जाए। Answer is a loop is a mechanism in which a task can be performed many times। loop एक ऐसा mechanism है जिसके अंदर आप एक task को एक से ज़्यादा मरतबा perform कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक फ्लो चार्ट दिया गया है, ठीक है। इस फ्लो चार्ट को यूज़ करके हम अपने जो पेंसिल्स की कॉस्ट है, एक पेंसिल की कॉस्ट, उसको फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले राउंडेड रेक्टेंगल के अंदर आपके पास क्या आएगा, स्टार्ट, उसके बाद है नंबर ऑफ़ पेंसिल्स इक्वल टू 200, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ़ पेंसिल्स हमने ली 200, इनकी टोटल कॉस्ट कितनी है 10 रुपीज़, ठीक है। टोटल कॉस्ट इनकी है 10 रुपीज़ और टोटल नंबर ऑफ़ पेंसिल्स हैं 200 जिनको हमने रेक्टेंगल के अंदर मैंशन किया है। उसके बाद आपका फोर्थ स्टेप क्या है, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ पेंसिल्स, मींस के हम टोटल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ पेंसिल्स पे तो हमारे पास एक पेंसिल की कॉस्ट आ जाएगी। देन हमने पैरेललोग्राम के अंदर लिखा प्रिंट कॉस्ट और देन स्टॉप, स्टॉप भी हमने किस में लिखना है, राउंडेड रेक्टेंगल के अंदर, ठीक है ना। आपको पता है हमने रीडिंग में भी इसको डिस्कस किया था कि स्टार्ट और स्टॉप जो है वो राउंडेड रेक्टेंगल के अंदर आएंगे और प्रिंट जो भी हमने प्रिंट करवाना है वो सब पैरेललोग्राम के अंदर आते हैं, ठीक है। आई होप यू गोट ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट सिक्स क्लास। नाउ इट्स योर टर्न टू डू ऑन योर नोटबुक। अल्लाह हाफिज़ टिल अपकमिंग लेक्चर।